हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं तलक क्रिश्चियन, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि क्लैंप मीटर क्या होता है, उसे कैसे यूज किया जाता है। सारी चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएंगी, अच्छे से समझाई जाएंगी। बस आपको हमारी वीडियो ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे समझा दूंगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब, उसके बगल बेल के आइकन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लैंप मीटर है जिसके आप लोग देख रहे हैं। इसको हम बैग से बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फंक्शन मिलेंगे और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो जिसके आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्लैंप मीटर है और मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये क्लैंप मीटर क्या होता है। जो आप लोग ऊपर ये येलो कलर का देख रहे हैं, ये हमारा क्लैंप लगा हुआ है। इससे आप अपना एम्पियर चेक कर सकते हैं किसी भी वायर का, चलती लाइन में आप एम्पियर चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इसको जो है इसमें वायर लगा के आप एम्पियर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं सभी फंक्शन को अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको हमारी वीडियो ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ए लिखा हुआ है और उसके बगल में एसी का सिंबल बना हुआ है, आप यहाँ पर 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई वायर है उसमें लाइन हमारी चल रही है, आप इस क्लैंप को इसमें लगा सकते हैं और आपको बता देगा कि हमारे इस वायर में कितना एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर घुमा देना है, आप जो है इस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे ये घुमाने वाला स्विच इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं यहाँ पर और एसी करंट में, ठीक है। आपको जो चीज़ चेक करना है आप उसी पे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आप लोगों को दिया जाता है एसी वोल्टेज, ठीक है, जो हमारा वी लिखा हुआ है और उसके बगल में एसी का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से लगा कर आप बिजली का वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है। आप कोई भी चीज़ में चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कितना वोल्टेज का है और जो कितनी लाइट इसमें आ रही है, ठीक है। इसके नीचे हमको डीसी वोल्टेज का फंक्शन दे दिया जाता है। आप यहाँ से किसी भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर कोई बैटरी है उसका आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो आपको ये स्विच यहाँ पर घुमा देना है और जो आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये कि अगर आप जो चीज़ चेक करें आप स्विच उसी जगह पर घुमाएँ, तभी आप उसको चेक कर पाएंगे, नहीं तो आपका ये जो क्लैंप मीटर फूक जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नीचे जो है दिया जाता है ओम चेक करने का ऑप्शन दिया जाता है, ओम कंटिन्यूटी चेक करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो हमको यहाँ पर एक सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजिस्टर चेक करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो जेड वाला है इस पे आप जो है इस स्विच को घुमा के आप यहाँ से ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर दिया हुआ है एसी 200 1000 एम्पीयर चेक कर सकते हैं, वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है। तो आप इसमें भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमको यहाँ पर एक डाटा होल्ड स्विच मिल जाता है, अगर आप कोई चीज़ चेक कर सकते हैं आप इस स्विच को प्रेस करके यहाँ से डेटा इसका होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में आपको इस स्विच का ऑफ जो ऑप्शन मिल जाता है तो आप यहां से ऑफ कर सकते हैं। और नीचे हमको यहां पर जो है लीडें लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमारी जो लीडें दो हैं इसको हम लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जेड वाली लीड है उसको हम फर्स्ट वाले में लगाएंगे और जो हमारी जो ब्लैक वाली लीड है इसको हम लगाएंगे सेकंड वाले में, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से लगा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसको कैसे चेक करना है, ठीक है। तो हम सेकंड वाली लीड लगा देंगे कॉम पे और जो फर्स्ट वाली लीड लगा देंगे वोल्टेज में, ठीक है। तो इसको जल्दी से लगा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको इसको कैसे चेक करना है। बस आपको हमारी वीडियो ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक पॉइंट को और दिया जाता है, तो इसका बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक रेड है और एक ब्लैक लीड है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जल्दी से चेक करके दिखाते हैं कि इसको कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो कि डीसी की हमारी बैटरी है, तो इसको हम लगाएंगे वोल्टेज डीसी पर और इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी ये कितनी वोल्टेज इसमें बैटरी है, ठीक है। तो हम इसको डीसी वोल्टेज पर लगा दिए और इसको हम जेड वाला लगाएंगे प्लस में और जो ब्लैक वाला लगाएंगे माइनस में, ठीक है। तो अभी ये बताएगा कि हमारे इसमें कितने वोल्टेज है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 0.2 वोल्टेज हमारे इसमें जो है करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये बैटरी में काफ़ी पुरानी है और इसमें चार्ज नहीं है, तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप जो है एसी वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो आप एसी में लगा सकते हैं, डीसी चेक करना चाहते हैं तो डीसी में लगा सकते हैं, और अगर एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो आप एम्पियर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही चेक करना है सब चीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक फंक्शन और मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंक्शन होता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ चेक कर सकते हैं और उसका डेटा होल्ड करना है तो आपको यहाँ पर डेटा होल्ड स्विच मिल जाता है। तो मैं आप लोग बताऊँगा कि इसको कैसे जो है होल्ड करना है। तो हम सबसे पहले जो बैटरी का इसको चेक करते हैं, ठीक है।
तो अभी हम बताएंगे कि इसमें जो इसे क्या देख रहे हैं कि 0.2 वोल्टेज करंट आ रहा है। अब हमें इसको हमको होल्ड करना है, ठीक है। तो उस पीले वाले स्विच को प्रेस कर देंगे, बस ये हमारा डेटा होल्ड हो जाएगा, ठीक है। हमको जो चीज़ चेक करना है, अगर हमको जैसे कि होल्ड रखना है तो हमको जो है वो चीज़ चेक कर लेना है, और जितना आएगा और उसी टाइम हमको वो पीला वाला बटन को प्रेस कर देना है, बस हमारा होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको इसको होल्ड करके दिखाते हैं। तो हमने इसको पीला वाला बटन प्रेस कर दिया और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा होल्ड हो गया, इसका डेटा होल्ड हो गया। जब हम इस बटन को फिर से प्रेस करेंगे, बस हमारा ये डेटा जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको प्रेस कर दिया और हमारा डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। ऊपर तो आपको कई सारे फंक्शन दे दिए जाते हैं। अगर आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर चेक करना है तो ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, ओम चेक करना तो ओम चेक कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होने बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।